तो वहीं एक तरफ छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में चुनाव का कल पहला चरण होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे की सियासत वादे और दावों के साथ साथ वार पलटवार पर भी गरमाई हुई है। ऑनलाइन सट्टे के ऐप महादेव ऐप को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी जहां ऐन चुनाव के बीच वीडियो जारी कर सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस से कुर्सी छोड़ने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि आखिर ये वीडियो बीजेपी के पास आया कहां से है। कांग्रेस ने तंज भी कसा है और कहा है गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। महादेव वो ऑनलाइन सट्टा ऐप जिस पर सूबे में ऐसा संग्राम छिड़ा कि हर किसी की जुबान पर बस इसी का जिक्र है, इसी की चर्चा है और चर्चा होना भी लाजमी है, क्योंकि ये वही सट्टा ऐप है जिसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आती थी, इस पर खुलासे करती थी, इसकी ब्रांचेस को ध्वस्त करने का दम भरती थी। लेकिन तब मीडिया में सुर्खियां कुछ और थीं और अब महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप सियासत का एक गर्म मुद्दा बन चुका है। चार दिन पहले ईडी ने एक सिपाही के बयान को लेकर बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद सवाल सीएम भूपेश बघेल पर उठा दिए, तो इसके दो दिन बाद बीजेपी ने मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वीडियो सामने रख दिया। रविवार को बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने वीडियो जारी किया और सरकार से इस्तीफा मांग लिया। आपको रिजिग्नेशन आज दे देना चाहिए और फिर मैदान में जाके देखिए जनता क्या है आपसे, और जनता भी आपसे और कांग्रेस के हर नेता से पूछने वाली है कि जवाब दो, ये आपने सट्टा क्या चला रखा था, ये लूट क्या मचा रखी थी, ये हमारे जो खनन है उसके साथ आप इतना बड़ा अपराध क्या कर रहे थे, ये हमारे वन है उनके साथ कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, इसका जवाब देना चाहिए। इधर जैसे ही बीजेपी ने वीडियो जारी किया और कांग्रेस पर हमला बोला, जवाब के साथ कांग्रेस ने भी मीडिया को बुलावा भेज दिया। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने बीजेपी के वीडियो जारी करने और वीडियो में मौजूद शख्स से बीजेपी के ताल्लुकात को लेकर सवाल पर सवाल दाग दिए। पूछा, शुभम सोनी का बीजेपी से क्या ताल्लुक है, बीजेपी के पास ये वीडियो आया कैसे, दुबई से पैसा आया तो रास्ते में इसकी जांच क्यों नहीं हुई। साथ ही तंज कसते हुए ये भी कहा कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। जो ईडी ने कैश कुरियर पकड़ा था वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, रमन सिंह के साथ उसकी फोटो थी, प्रेम प्रकाश पांडे के अनन्य सहयोगी उनके प्रतिनिधि पार्षद मिश्रा के साथ उसकी फोटो थी। उसके बयान के आधार पर ईडी मुख्यमंत्री के ऊपर में अनर्गल आरोप लगाती है। और एक चीज बता दूं कि एक इनोवा गाड़ी जिसमें बड़ी संख्या में कैश जब्त हुई थी, जिसको ईडी ने इस गाड़ी की फोटो को अपने ट्विटर हैंडल में टैग किया है, फोटो जारी किया है, यह गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता की है। लेकिन इतना बस नहीं था, सीएम भूपेश बघेल भी मैदान में आए, कहा बीजेपी हार मान चुकी, जो पकड़ा गया वो बीजेपी का करीबी है, अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं, और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है, और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं, जो पकड़ा गया, जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है। वैसे दिलचस्प ये भी कि जिस महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत उबाले मार रही है, उसी ऐप को बैन करने का काम केंद्र सरकार ने आज किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद महादेव समेत कुल 22 सट्टेबाजी ऐप पर बैन लगा दिया। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक सूबे में ये मुद्दा गर्म रहेगा और किसका वार किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो खबर असरदार में फिलहाल आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।